नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में स्वागत बा। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आप हरेक दिन इतने समय से देखल जाला जिम्मे हमन के समाज हमारे असल बना के लिए का करे परी और हमन के समाज में कौन कौन से विकृति बा ओकरे हमारे हटाए का करे परी, तमाने हमारे व्यक्ति से विचार आदान प्रदान कर जात और हमारे सफल होय के लिए का करे परी, जौन हमन के कौन भी क्षेत्र में व्यक्ति बाटे और वहाँ के विचार भी हमारे आदान प्रदान करे के साथ में हमन के जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करे से तमाने विषय हमारे उठान कर जात और आज हमारे अवसर कह के हमन के समाज उत्थान के लिए हमारे कहा करे परी एक समाज सेवी के हमारे न्योता धल गिल वहाँ से हमारे बातचीत करे कार्यक्रम के अवधि पर अभी साथ रहा जी। ऐसे हमन के कैमरा पर्सन बाटे शंकर और हम संचालक राज के साथ में आज हम लोग एक अतिथि बाटे समाज सेवी कमल नारायण चौधरी हमारे वहाँ से बातचीत कर अभी कार्यक्रम के अवधि बेटी साथ दल जी ते कार्यक्रम में हमारे स्वागत कर जता कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। नमस्कार। आज हमन के न्योता कह के स्वीकार कह के आल गल बा ते हमन के अब इतना घड़ी हमन के समाज में कौन काम में आबद रह गया, कौन कौन काम कल जाता आजकल? अब ऐसे संघ संस्था तो कई ठाउ बा, लेकिन इतना समय अब कुछ समाज सेवी काम में ही अब लागल गेल गेल बा कहे भेल। ते वैसे अब आजकल हमन के समाज सेवा कहते बिला में मने के जो विचार में दूसर चीज पैदा हो जाला, कल के मतलब कि अब समाज सेवा करे के नाम में जो ना अपन व्यक्ति के स्वार्थ के लिए काम कराने ते ई जोन समाज सेवा कहते बिला हमारे जो ना जनता बाटी हमारे कति कह के बुझा सके एक तो समाज सेवा कल के का हो? एकदम सही प्रश्न कल गेल। समाज सेवा के नाम पर लूटतंत्र भी बहुत बा, तो समाज सेवा के नाम पर लूटतंत्र रहले के वजह से ज़्यादा समाज सेवा के काम बदनाम बा यही के नाते अब कुछ लोग उहर ध्यान ज़्यादा जाला, लेकिन समाज सेवा के मतलब भी होला कि जे एक हिसाब से पीछे जेकर आवाज़ नहीं आगे उठे सकता, जे अपन काम के लिए अपने मूल्यांकन करे नहीं सकता, ओकर काम कितना पे जगह परे ओके जान बुझ के ओके अड़ंगों में फंसावल गेल गेल बा, वैसन आदमी के सहयोग करे के ही समाज सेवक कह के बुझल जाला कह के हमार बुझाई हो। ते ऐसे अब आजकल हमन के कहते बिल में समाज सेवा के नाम में यानी कि सामाजिक अभियंता के नाम में एकठू ओकर खोल ओढ़ के तमाने व्यक्ति लागल बाटे अपन व्यक्ति के स्वार्थ के लिए, चाहे हमन के एकठू हमारे नेता के चिन्हल जाला या कोनो भी व्यक्ति के अति हमारे विश्वास करे के अब जो जनता बाटे एकदम विश्वास नहीं करे सकत बाटे, काहे से वो विश्वास घटाइल के कहल के जी के हमारे वोट दे के हो या जी के हमारे नेता मानल जाला, अति जौन हमन के समाज आज जौन हमारे कंप्यूटर युग के चिन्हल जाला इक्कीसवीं शताब्दी में समाज के आप कैसे विश्लेषण कर जी आपके विचार में समाज हमन के कौन जगह तक पुगल बा, कौन जगह तक पुग के चाहना रह के आपके सोच में आपके विचार में आप समाज के कैसे मूल्यांकन कर जाता है इतना करी? बात एकदम सही हो। समाज के मूल्यांकन के बात पहले नंबर तो यह बा कि स्वाभाविक रूप में समाज सेवा के नाम पर आदमी लूट तंत्र के भीतर पड़ने की वजह से विश्वास करे के जगह कम बा, तथापि हम यह कह के चाहब कि हर एक बात में कहाला कि जात बरल बा जीव नहीं बरल बा, वैसा ही समाज सेवा में भी संख्या के हिसाब से सब उहे में नहीं बा, एकर नाते भी हमरे देखा जाता कि अगर समाज सेवा में समर्पित हो के कितना पे काम अगर नहीं बना तो लोग समाज सेवा से भी पर विश्वास पक्के नहीं करता, तो ऐसे कुछ जौन परिवर्तित समाज बा परिवर्तित समाज के संगरी जौन नहीं चले सके वाला जौन समुदाय व्यक्ति जौन बा ओके आगे ले आने के लिए अथवा ओकर आवाज़ जगह तक पुगाए के लिए वो जौन हमरे प्रयास कर जाता निस्वार्थ भाव से ओके समाज सेवा कहल जाला कह के मन हमार बुझाई बा। ऐसे नहीं हमन के जो समाज परिवर्तन करे के लिए जोन अब समाज के विकास करे के लिए कोनो भी व्यक्ति के हमारे जिम्मा धाल जाला, कहे से अब सब जन के अपन अपन पेशा रहला फिर भी एक टू के हमारे लीडर तैयार कर जाला, कहे से जिम्मा धाल जाला कि अब हमारे कोनो भी
काम कल जाता कौन भी पेशा में आबद बाटी अब कितना जने बाटी है जौन अपन घर के रोजी रोटी चला के लिए विदेश जाए बाध्य बाटे ओखन के रहर नहीं विदेश जाए बाध्य बाटे और कौन भी व्यक्ति जौन अपन घर परिवार चला के लिए कितना मुश्किल पड़ला तो वही दो चार पैसा उठा के हो एक टू हमन के समाज उत्थान के लिए कैसे हमन के समाज अच्छा रही तो हमन के घर भी अच्छा रही हमन के आज वाला जौन पीढ़ी बाटी वो भी अच्छा रही ओखन के भविष्य उज्जवल रही ये सोच से जौन हमारे कौन भी व्यक्ति के एक टू नेता कह के चुनल जला ओखन के जिम्मा धाल जला ते आपके विचार में जौन आज के जौन लीडर बाटी हैं समाज से भी कहल के मतलब कि हमन के स्थानीय में जौन निर्वाचन से निर्वाचित भल बाटी हैं अब जन जनप्रतिनिधि बाटी हैं ते आपके विचार में वो सब कितना हमन के जौन दहल निर्वाचन के समय में अपन जौन बाचा रहे कितना पूरा करे सकले बाटी जैसा लागत एकदम अच्छा प्रश्न हो। स्वाभाविक रूप में जौन जन निर्वाचित नेता लोग बाट उ जौन बाचा कैले रहना उ बाचा पूरे पूरा करे के नहीं सकले बाट काहे से कि वह में कितना पे संख्या के हिसाब से देखल जा तो ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि के संख्या जौन ज़्यादा बा उ लोग जौन एठू निम्न स्तर के जनता के आगे जौन बाचा कैले रहना तो बाचा के साथ साथ में उ लोग उन्हन के जौन अच्छा नेतृत्व में पहुँचे वाला व्यक्ति के पीछे हटावे के लिए उ सब जौन खर्च कैला कितना पे जगह पड़े अब ओके तो सब जाना तो के इशारा में भी बुझ सकल जाला तो अक्सर अब उ खर्च बिना उठावले बाचा पूरा करे के नहीं सकी हैं यही के नाते बाचा पूरा करे के लिए उन्हन के लिए कहे से पहला नंबर ते जौन लगानी लगैले बाटे उ लगानी उठैले में तल्लीन रहले के वजह से बाचा पूरा करे के नहीं सकत बाटे एक दूसर बात नीति और नियत नीति और नियत नीति और नियत के भीतर में फर्क रहले के वजह से उनके जौन नीति हो नीति के चला के जगह पर नियत के भर पड़ाला तो उ सबके जौन स्वाभाविक स्तर के जौन स्तर उन्नति के जौन लेवल बा उ लेवल के उठाए से ज़्यादा उनके नियत में अपन पैसा उठावले के ओजह रहले के कारण से भी आज समाज में जौन हमरे परिवर्तन करे के खोजल जाता जौन समाज में परिवर्तन लियन लेके बाद में देश विकास में जाई देश विकसित होई जनता शिक्षित होई हैं कहके जौन हमरे सोचल जाला ई होए न जौन परिवर्तित समाज अथवा संसार जौन परिवर्तित बा वह किसिम से हमन के नेतृत्व वर्ग परिवर्तन स्वयं करे न सकले के वजह से आज ई हमन के अवस्था जर्जर अवस्था में हमरे पुगल जाता। हाँ ते मैं के दोष दे सकल जी अब जैसे एमाते अब हमारे जिसन जनता उ सबके विश्वास कहके जौन जितले बाटे ते में हमरे के दोष दल जी अब जे काम नहीं करत अखन के दोष हो या जौन जनता जौन अखन के जितले बाटे उ सबके जनता के दोष हो अब हमें दोनों पक्ष बा अब पहले नंबर ते कुछ हमन के कहल जात जौन हमरे सर्वसाधारण जौन जनता बाटी एक हन के कितना पे मजबूरी से लालच में कितना जने हमरे फंस के हमरे जौन असल रूप में जौन विकास करे वाला नेतृत्व बा ओके हमरे चयन करे नहीं सकल जाता जैसे हमरे कितना पे देखल जाता कि हमन के जनता जे के विश्वास कई के नेतृत्व पंक्ति पर पुगैले बा आज देखल जाता हमरे हमन के नेपाल देश में भ्रष्टाचारी के चांग लगल बा ऐसे कितना पे अब हमन के सर्वसाधारण जनता लोग अपन उन्हन के दैनिकी अवस्था कमजोर रहले के वजह से एक हिसाब से बिके के भी मजबूर रहले के कारण से जेकर पास पैसा बा जे खराब नियत के व्यक्ति बा ते उ चुनाव में जीत जाता और जौन असल नियत के जौन व्यक्ति बा उ चुनाव में हार जाता यह नाते असल नियत न रहले के वजह से ई देश में विकास होए नहीं सकल के हो। ऐसे हमन के जौन समाज परिवर्तन करे के लिए जैसे अब निस्वार्थ भाव से हमारे देखल जा ते कैसन व्यक्ति के हमन के जौन विश्वास कैले पर या ओखन के सहयोग कैले पर हमन के समाज के विकास हो सके जैसा लगत अब एहमे ते सबसे पहले ते नेतृत्व पंक्ति में रहे वाला जौन व्यक्ति बा ओके नियत
ठीक करे के जरूरी बा कहके हम ये अनुरोध करब। अब कब केकर नियत कैसन हो जाए कहके तो केहू नहीं जानता, तो ऐसे जनता तो नियत ठीक भइल के नेता ही ओकरे चुन के भेजा ना, लेकिन कुर्सी पर पहुँच गए के बाद में या कुर्सी के दोष हो या नेता के भीतरी अंतरात्मा के दोष हो, नियत बदल गए के कारण से ही नेतृत्व पंक्ति में असर पुगल के हो जैसे हमें लागत। एकर नाते जहाँ तक हमें विनती और अनुरोध ये हो कि नेतृत्व पंक्ति में जे पहुँच चुकल बा तौन लोग आखिर में जौन जनता के बाचा कैले बाटना, पहले नंबर तो बाचा पूरा करे के लागह कहके मने हमार अनुरोध हो, और साथ में नियत साफ रखा, नियत में खराबी ना लावा। और दूसर बात ही कहबा कि हमन के नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा ई एकेका कह जाला लगभग हमन के चापलूसी के पीछे फंसले के कारण से हमरे कितना पै देखल गेल गेल। इंडिया भी जौन गुलाम भइल तो वो ब्रिटिश वाला जौन कामदार रहल ना वो कहन के चापलूसी में फंसले के नाते इंडिया गुलाम बनल रहल, वैसे ही हमन के नेपाल के नेता भी चापलूसी में ज़्यादा फंसले के नाते खराब लोग चापलूसी कह के आगे निकल जाला, और सही लोग चापलूसी करे न जनले के नाते उनके काम रुक जात बा कह के हमार बुझाई हो। ऐसे जैसे अब कितना जन के बुझाई रहा कि अपने समुदाय के हमारे जिताल जाए तो हमन के विकास हो सके, हमन के आवाज़ सुनिए और जो नाता बात बा कृपा बात बा ये हटे सकी कह के, फिर भी आप एक कैसे मूल्यांकन कर लीजिए जैसे कि अब कोनो भी व्यक्ति के अपने समुदाय के कितना व्यक्ति जीतेले बाटे तो वो सब अपने समुदाय के लिए कितना काम कर सकले बाटे जैसे लगा आपकी बुझाई में। अब बात तो एकदम सही हो, समाज के बुझाई हो कि अपन समुदाय अपन जात अपन भाई आगे रही तो हमन के कुछ विकास करी कह के, लेकिन हमार बुझाई में अब हमरे देखल जाता नेपाल में भोगाई में बुझाई का कहल जाओ कि भोगाई कहल जा अनुभव कहल जा कि बड़ा मछली छोटा मछली के खा लेला, तो बड़ा मछली छोटा मछली के मछलिए खाता, तो है हिसाब से जौन हमरे सोच के जात समुदाय के व्यक्ति के हमरे आगे बढ़ावल जाला उ बात आ चुकल कि नियत। अब उ उनके उत्थान करे के सिवाय जैसे बड़ा मछली छोट मछली के खा जाला तो मछलिए मछली के खाता, वही हिसाब से हमरे मछली जात हो कह के हमरे ओके आगे बढ़ाए खोजल जाता, लेकिन वो बड़ा मछली छोटा मछली के खा जाता। यही के कारण से जात समुदाय कह के जो हमरे आगे बढ़ाए के प्रयास कर जाता, सोच सही हो लेकिन नियत उनके सही बदल गए के कारण से जात समुदाय भर न कह के यह में ई वर्ग के हिसाब से अगर हमरे जा सकल जाता, नियत के हिसाब से जे कुर्सी पर पहुँचाता ओकर नियत खराब रहले के कारण से ई समुदाय के आगे बढ़ाए के नहीं सकत बाटन जैसे हमार अपन बुझाई हो। हाँ ऐसे अर्जुन हमन के समुदाय के उत्थान के लिए थारो कल्याणकारी सभा एक टू हमारे छाता संकरण के चुनल जाते ते समाज उत्थान के लिए ये थारू कल्याणकारी सभा के कितना भूमिका बाजी चल रहा था। एकदम सही जगह पर अब कियावल गए लिए वास्तव में नेपाल में नेपाल के मूलवासी जौन थारू समुदाय हो तो थारू समुदाय के स्तर उन्नति अथवा परिवर्तित समाज परिवर्तित संसार के संगरी थारू समुदाय भी परिवर्तन हो के देश विकास में टेवा पुगावे सका कह के खुलल के टू थारू कल्याणकारी संस्था हो, और कुछ न्यूनतम सुधार तो भइल लेकिन परिवर्तित समाज के संगरी जितना सुधार होए के चाही उ सुधार होए नहीं सकल, कारण वही आके अटकल कि जौन पहले सोच बना के परिवर्तित समाज के संगरी मन थारू समुदाय के भी परिवर्तन कह के हमरे आगे ले जाइल जा कह के उ सोच के जौन गठन भइल उ गठन अनुसार कुछ समय तक तो ओकर परिवर्तन के देखाई महसूस भइल, लेकिन बाद में आके जौन ओकर नेतृत्व पंक्ति में पुगला उ सबके नियत खराब रहले के वजह से परिवर्तन करे के न सकला, अपन निमित्त स्वार्थ में अथवा जनता के वोट बैंक बना के अपने आप के कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो पार्टी से स्थापित करे के लिए जनता थारू कल्याणकारिणी के अभियंता अथवा थारू कल्याणकारिणी के परिवर्तन करे के लिए उच्च ओहदा पर पुगला,
लेकिन ओसे उनके व्यक्तिगत फायदा भर लहलना और जौन जनता के चेतना जगा के उनके स्तर उन्नति करे के चाहिए, उनके परिवर्तित समाज संघरी उनके आगे बढ़े के चाहिए, उ किस्म के सोच उन्हन के नियत न रहले के कारण से आज थारू कल्याणकारिणी के नाम से कितना पे जगह ही जाए जाए तो थारू कल्याणकारिणी के नाम लोग सुने के भी नहीं चाहला। तो कोनो भी संघ संस्था खराब तो नहीं होला अथवा गाड़ी घोड़ा खराब तो नहीं होला, बशर्ते का होला कि ओकर ड्राइवर खराब होला। तो वही हिसाब से थारू कल्याणकारिणी में जौन ओमे नेतृत्व पंक्ति लोग अला तो जौन किसिम से संसार परिवर्तन हो रहा बा अथवा समाज परिवर्तन हो रहा बा वह किसिम से थारू समुदाय के परिवर्तित करे न सकले के कारण आज थारू कल्याणकारिणी ढेर पाछे बा। और नेतृत्व एकर विशेष विशेष कह के नेतृत्व पंक्ति में ओकर भीजन न होके हो कि अथवा उन्हन के चाहना न होके हो कि अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से कितना पे हमने देखा जाता थारू कल्याणकारिणी में नेतृत्व करे वाला पंक्ति के स्वयं के विकास हमने देखा जा तो कितना पे वार्ड अध्यक्ष है, कितना पे गाँव पालिका के मेयर, कितना पे का कहला सदस्य थारू कल्याणकारिणी के उत्पादन होला। लेकिन उ सब का कहला कि अपन व्यक्तिगत उन्नति के लिए थारू कल्याणकारिणी के प्रयोग कैला जैसे हमें महसूस लागत। कहे से कि कितना पे हमने देखा जाता थारू कल्याणकारिणी के उत्पादन से थारू समाज के अगुआ हो कहके कितना पे ओके शब्द अब हम कौन प्रयोग करी कि मैंने ओके लोग MLA तक अथम तक भी पहुँचा के प्रयास कैला और समाज तो उ कहे से पुगला कि थारू कल्याणकारिणी के नेतृत्व पंक्ति में रहले के कारण से। फिर भी अब उनके जे नेतृत्व में रहल उनके स्वयं व्यक्तिगत रूप में उनके ते अपन परिवर्तन भइल विकास भइल, लेकिन जौन उनके तरे जौन लोग रहल जे आशा कैले रहल कि समाज में परिवर्तन आई उस समाज में उल्लेखित परिवर्तन नहीं देखा मिलन बा कहके हमारा अपन बुझाई हो। हाँ ते ऐसे अब हमन के थारू कल्याणकारी सभा रूपंदेह के भी अधिवेशन आना समय हो गया बा ते जैसे अब आपके बुझाई में ओकर बाद में हमन के जो जनता बाटे दर्शक बाटे ओखन के बुझाई में अब कैसन नेतृत्व अले पर समाज के विकास कही सके जैसा लगता आपकी बुझाई में कैसन गुण होय के आवश्यक बा। अब यहमें हमार अपन व्यक्तिगत बुझाई अब आपके कहना तो सही हो हमार कितना सत्य हो बता नहीं पाए लेकिन सुनल के हिसाब से थारू कल्याणकारिणी के जिला अधिवेशन केंद्रीय नीति अनुसार असौज के 15 गते के भीतर में हो जाए के चाही। कहे से कि शायद ये असौज अंतिम में शायद केंद्रीय अधिवेशन भी होए वाला बा एकर नाते से अब सुनल के हिसाब से एक्चुअल टाइम अब ये कह के नहीं सुने के मिलल के कारण से एक्चुअल टाइम ये हो कह के कह के नहीं सकाई लेकिन बुझले के हिसाब से कि मैंने थारू कल्याणकारिणी के असौज 15 गते के भीतर में जिला अधिवेशन हो जाए चाही नहीं तो एकर कह के भेल के एक हिसाब से विघटन हो अवस्था बा कह के हमें सुने के मिलल रहा एकर नाते जहाँ तक हमें लागत कि थारू कल्याणकारिणी के जिला अधिवेशन रूपंदेही में अब अंतिम दिन भी रखल जाए तो हो सकल 15 गते भी थारू कल्याणकारिणी के जिला अधिवेशन हो सके। अब वह में रह गए सवाल स्वाभाविक रूप में एकर का होला ग्रैंड डिजाइन। अब ग्रैंड डिजाइन के हिसाब से तभी ने बात उठ चुकल कि व्यक्ति के जीवन शैली परिवर्तन तो होता लेकिन समाज के जीवन शैली परिवर्तन न हो सकले के कारण से अब ग्रैंड डिजाइन कौन रूप से जौन नेतृत्व पंक्ति में रहना उ सब कौन किस्म से ग्रैंड डिजाइन बना के नेतृत्व पंक्ति में आए के लिए गाँव पालिका के वड़ा के कमिटी बनैले बाट अब उहे हिसाब से उ सब आगे बढ़ाए के प्रयास करही तो ऐसे अब उनके नियत कैसन बा नहीं तो हमार अपन बुझाई में का बा कि थारू कल्याणकारिणी के नेतृत्व में जहाँ तक निम्न वर्ग के अगुआ लोगन के नेतृत्व में अगर थारू कल्याणकारिणी के निम्न वर्ग के नेतृत्व के हाथ में अगर जो थारू कल्याणकारिणी जाई तो निम्न वर्ग के व्यक्ति उ किस्म के जे किसान बा जे किसान खेते में काम कैले बा
तही उ घाम और पानी के पीड़ा बुझ सकला। लेकिन जे छाता ओढ़ के लाठी देखा के जे खेत में काम करे ले वा किसान तो उहो हो, जे छाता ओढ़ के गैल वा खेत में उहो किसान हो, वो सब काम करे ले बाटे काम ना के ले बाटे। हाँ, आ जे स्वयं अपने अपन खेत में कुदरा लेके जे काम कैले बा उहो किसान हो। तो ऐसे खेत में जे स्वयं अपने कुदरा लेके काम कैले बा उ किसान, आ जे छाता ओढ़ के किसानी कैके और जन से काम करौले बा उ किसान में अंतर रहने के वजह से हमार बुझाई में इतने हो कि जे स्वयं अपन खेत अपने हाथे अपने कुदारा से खेत को ढले बा वैसन किसाने के अगर जिम्मेवारी दे जाता उपजनी तनी बढ़िया हुई, आ जे छाता ओढ़ के काम करे ले बा उतनी उतना ज़्यादा खेत के अनुभव किसान हो लेकिन खेत के अनुभव ना ही बा। कहे लेखा समाज में जे स्वयं निम्न वर्ग के जे समाज में लागल बा वैसन के हाथे में अगर जो नेतृत्व जाए तो जहाँ तक लागत कि अब कुछ न कुछ थारू कल्याणकारिणी, अब कहे से कि जौन हिसाब से थारू कल्याणकारिणी गठन भइल जौन समय पर थारू कल्याणकारिणी गठन भइल उ अनुसार के आज तक थारू समुदाय के परिवर्तन में ज़्यादा विकास हो जाए चाहत रहल, अब उ न हो सकले के कारण से अब जहाँ तक लागत कि जौन मेन किसान जौन जे कुदरा लेके कोड़ा लेवा खेत वैसन किसान अथवा जे समाज में अपने दौड़ धूप के जे समाज सेवा कैले बा वैसन निम्न वर्ग के नेतृत्व में अगर जो थारू कल्याणकारिणी पहुँचे तो जहाँ तक हो सकाला कुछ न कुछ परिवर्तन के आशा अथवा किरण हमें देखाई दे सकाला कहके हमार अपन बुझाई हो। अब ओहमे तब कौन किस्म से अब भविष्य में थारू कल्याणकारिणी के जिला अधिवेशन होने के बाद में कैसन नेतृत्व आवता तबे पता चली तबे बता मिली और ग्रैंड डिजाइन कैसन बा। अब यहाँ ते हमरे देखल जाला रूपनदेही जिला में और जिला में कैसन बनाए बता सकल जी, लेकिन रूपनदेही जिला में नेतृत्व पंक्ति में भी एक ठू राजनीतिक दल के हावी जैसे हम मन के पावल जाला नचावला तो, डायरेक्टर दूसर। हाँ, तो राजनीतिक दल के का कहला हमें उपस्थिति ज़्यादा पहले के वजह से हमें नेतृत्व पंक्ति अच्छा रहे न रहे राजनीतिक पकड़ रहे, यह कारण से भी थारू कल्याणकारिणी में राजनीतिक पकड़ होए के जरूरी बा कह के ई किस्म से भी रूपनदेही जिला में राजनीतिक दल के उछल कूद रहले के नाते से भी नेतृत्व जौन आवे के चाही जौन नेतृत्व निस्वार्थ भाव से पुगे के चाही उ निस्वार्थ भाव से पुगे वाला जौन नेतृत्व बा उ राजनीतिक दल के पकड़ में न रहले के वजह से अथवा उ पकड़ से बाहर रहे खोजले के कारण से भी उ थारू कल्याणकारिणी के नेतृत्व में पुगे ना सकल। यही के नाते थारू कल्याणकारिणी के परिवर्तन में थोड़ा सा कमी आयल के हो कि जैसे मैंने हम हन के हमारा अपन व्यक्तिगत बुझाई में महसूस होला। समाज परिवर्तन के हिसाब से जो हमरे भर के चर्चा कर जाता है इतना घड़ी जिससे अब हमरे थारू कल्याणकारी सभा थारू समुदाय के लिए हक हित के लिए एक ठो गठन बल संस्था हो और बाहर के जो हम के समाज उत्थान के लिए जो हमारे कोनो भी व्यक्ति के ठो लीडर कहकर चिन्ह जाता और बाहर के तमने संघ संस्था समाज परिवर्तन करे के लिए गठन बल बाटें आबद बाटें काम कर रहा बाटें फिर भी जोन हमरे बात चर्चा कही चुकल बाटी कि कोनो भी व्यक्ति कोनो भी ओदम में पुगल बा समाज परिवर्तन करे के लिए वो अपन व्यक्तिगत और अपन जोन नजीक के व्यक्ति बाटें अपन घर के बेटो बेटी बाटें उस सबके जीवन परिवर्तन कही चुकल बाटी इतने छुपावला बात तो नहीं हो। फिर भी हमन के समाज के जोन अनुहार बा परिवर्तन हो नहीं सकले बा ते अब अक्सर कह के हमने के समाज परिवर्तन करे के लिए जौन तमाने संस्था बाटें अब हरेक हमरे कहा जा कि चाड़ पर्व में एक ठो स्टेज बना ली है अब लाखों खर्च करी है और बाद में अब इतने पर ना हो कि एक ठो मनोरंजन देख हिसाब से लड़का लड़की के नचा दी हैं और बाद में जौन हमरे दो चार जन के नेता के बोला जी और प्रमुख अतिथि भी विशेष अतिथि भी भाषण सुनई है भाषण भर में उनके सीमित रहा स्टेज में जब मन से उतर दी है तो कारण के कारण हो नहीं सकल ते हमन के अब समाज आगे बढ़ा के लिए हमन के जो युवा बाटी ये युवा के कैसन भूमिका खेले के आवश्यक बा जिससे हमारे कौन के अब नेता के जिम्मेदार के लिए सब भी एक ठो व्यक्ति के स्वाद के लिए काम कर रहा बाटी और संघ संस्था भी
जौन जगह पर काम करे वो पुगिक नहीं सकले बाटी ते हमरे अब अपने आप हमन के युवा लोगन जे कौन भी संस्था में आपत बाटी नहीं बाटी ते यदि समाज परिवर्तन करे के लिए हमरे कौन कैसन किस्म के योजना बनाए के आवश्यक बात ताकि हमन के समाज धीरे धीरे अब एकीकृत ना हो सके हमन के समाज के विकृति विसंगति जनवा धीरे धीरे न्यूनीकरण हो सके जिसन लागत आपकी बुझाई में एकदम अच्छा बात हो आप जौन कहल गेल गेल वास्तव में अब हमरे रूपंदेही जिला में रहले के वजह से रूपंदेहिये जिला के हम हन के शुरुआत करे के पड़ी अब अन्य के तुलना करे के नहीं भेल जहाँ नहीं हमरे भोगल गेला तो एहमे बात आवला एठू पढ़ल आ एठू पढ़ल यानी एठू ज्ञान और एठू विवेक दुई पाटो रहला तो ज्ञानी हमार आज के परिस्थिति में हमरे पढ़ल के ज़्यादा ग्राह्यता दिहल जाता और जे पढ़ल बा अथवा जेकर विवेक बा जे भुगतले बा ओकर ग्राह्यता कम बा ऐसे पढ़ल के ग्राह्यता ज़्यादा और पढ़ल के ग्राह्यता कम रहले के कारण से ई का बा कि संस्कृति तो थारू कल्चर अथवा संस्कृति भर झलकैले से तो विकास तो नहीं होता तो ई थारू कल्चर के बेचे के एठू प्रोग्राम तो बना हम बना दिया जाता हमरे लेकिन जो संस्कार बा ई संस्कार हमरे विकास करे के नहीं चाहल जाता तो ई खास कह के हमन के पाटो हो जो हमन के संस्कार विकास करे के ई संस्कार विकास करे न सकले के कारण से आज हमन के समाज में विकृति ज़्यादा बढ़त चल गेल के हो तैसे हमरे कोनो भी नेता अला तो उस समय पर औरों जन समुदाय के भी तो संस्कृति बा लेकिन एठू थारुए के संस्कृति कहें थे तो एठू थारू के संस्कृति एठू पहिरन भर से संस्कृति भी तो नहीं भेल एठू पहिरन और एठू नाच गान ई थारू के देखा देहले से थारू के उत्थान तो नहीं हुई ऐसे हमें जहाँ तक हमार व्यक्तिगत बुझाई बा कि संस्कृति के साथ साथ में संस्कार जौन मन के संस्कार हो उस संस्कार के विकास करे न सकले के कारण से आज हमरे ढेर पाछे बाटी तो ऐसे हमरे देखल जाला थारू संस्कृति कहल जाला लेकिन हमें कितना पे जगह ही परे भोजपुरी भइल उछरिंखल खाल के किसी के जौन हमन के लाज लगाला हाँ लाज लगाला उ छोट पहिरन के नाच वगैरह जौन हमरे वहाँ देखल जाला तो थारू संस्कृति तो नहीं हो तो ऐसे थारू संस्कृति के नाम पर कितना पाए उछृंखल संस्कृति भी हमरे देखाई जाला तैसे फिर भी हमरे कहा जाता उस संस्कृति तो हमरे बचाई जाता लेकिन संस्कार बिसरत हमरे चल जाए जाता ऐसे जहाँ तक हमार बुझाई हो कि आए वाला जौन पीढ़ी बा युवा के सिखाए वाला हमरे दाई बाबा होल जाला नहीं अब दाई बाबा जब हमरे मम्मी डैडी कह के सिखाई जी तो लैका तो दाई बाबा तो नहीं कहीं कि कहीं है नहीं पक्के नहीं कहीं है तो ऐसे हमरे जौन संस्कार लैकन के भरे के चाही जौन संस्कार लैकन के सिखावे के चाही जौन थारू समुदाय के जौन संस्कार हो उस संस्कार के प्रचार प्रसार अथवा ओकर कार्यान्वयन अथवा ओके भुक्तभोगी अथवा ओके परल के ई किस्म से हमरे ओकन के विवेक के रूप में हमरे विकास करे नहीं सकल जाता जैसे हमरे देखल जाला कि विज्ञान काल के ज्ञान के अनुसार से हई हई होके चाही लेकिन विवेक वही में आवला कि ओके प्रैक्टिकल कल जाला प्रैक्टिकल कैले के बाद में जब वो प्रमाणित तो होला तब ओके विज्ञान के सूत्र कहल जाला वह किस्म से हमन के थारू समुदाय के जौन प्रैक्टिकली होके चाही जौन हमन के संस्कार होके चाही उ संस्कार धीरे 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 हमन के जौन ये ह्रास हो गईले के कारण से भी हमरे थारू समुदाय धीरे 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 हमरे पाछे परत चल जाए जाता एकर कारण से संस्कृति के साथ साथ में संस्कार के विकास करे के अति जरूरी बा और उस संस्कार के ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दे के युवा लोगन में और नेपाल के हर एक युवा में खाली एक ठू थारू समुदाय नहीं कि नेपाल में रहे वाला हर एक समुदाय के युवा लोगन में नेपाली के संस्कार संबंधी जौन हमरे ज्ञान नहीं दे सकल जाता खाली उ सब विदेशी संस्कार भर सीखले के वजह से जैसे पहले संस्कार का रहल कि बुआ आमा के खुट्टा ढोगना नहीं गोड़ में ढोक लगना संस्कार रहे अब आजकल का हो गया कि दुनिया से नमस्कार कहना हो गया तो जब तक हमरे सामान्य हिसाब से आप विजय प्राप्त कर गए आपके फूल माला पहरे के बाद अथवा आपके गोल्ड मेडल पहरे के बाद तो गोल्ड मेडल पहरे के लिए भी सर झुकाए के पड़ाला
वैसे ही बाप महतारी से आशीर्वाद लिए ले के लिए हमें सर झुकाए के पड़ल, लेकिन आजकल हमें जो सर झुका के बाप महतारी से आशीर्वाद लेवे के चाहिए उ आशीर्वाद हमें लेह नहीं सकल जाता, हमारे संस्कार विसरल चल जाए जाता। ऐसे संस्कृति से ज़्यादा संस्कार पर हमें जब जोर दे है सकल जाए तब नेपाली युवा लोगन जब उस संस्कारित जब होते जाइए तबे जाके नेपाल के विकास हुई, ना कि केवल थारू समुदाय के थारू के युवा भर संस्कारी बनले से देश विकास कहके नहीं हो, कि नेपाल में हरेक समुदाय के जो युवा लोग बाट सब जना में हमें देखल जाता कि संस्कार संस्कृति तो एक हिसाब से कौन जेन तेन सब बचावत न, लेकिन संस्कार दिन प्रतिदिन बिगड़त गए के वजह से भी संस्कार बिगड़ने के कारण से भी हमन के नेपाल के हर समुदाय जौन विश्व के परिवर्तित समाज के अनुसार जौन हमन के स्तर उठे के चाही, बगल के दोनों बगल के हमें देखल जाता देश विकास नेपाल से छोट छोट देश आगे चल जाता चंद्रमा में पुगता, लेकिन आज हमारे नेपाल के जौन हमारे समुदाय बाटी युवा लोग बाटी आज हमन के बाध्यता बाकी पेट पाले के लिए दिन प्रतिदिन हमन के विदेश पलायन होए पड़ता, तो ऐसे हमन के युवा लोगन के अवस्था ज़्यादा जर्जर रहनाते बाकी हमारे नेपाल के जौन हमारे आमा दाई बाबा आमा बुआ जौन हमारे बाटी लैकन के जहाँ तक हमें लागत कि अथवा नेतृत्व पंक्ति ई संस्कार प्रति भी ज़्यादा सचेत होए के जरूरी बा कह के मने हमार अपन व्यक्तिगत बुझाई हो। ऐसे आप एक सचेत नागरिक रहले के नाते हमन के जौन बात कह चुकल बाटी कि अब जैसे हमारे स्थानीय तो हमें अब निर्वाचित कराल गए एक ठू लीडर बना के हमें पुगाल गए तह तक ओकर बाद में अब हमारे कोनो भी संसद देखल जाता ते काम नहीं करत बाटी ते हमन के जौन जनता बाटी अब कितना जने के बुझाई कहबा कि अब हमारे पाँच वर्ष के लिए तो चुपाइल रहें पड़ी चाहे विकास करा चाहे ना करा, फिर भी हमन की जनता पाँच वर्ष के लिए चुपाइल रहे के ते एक वर्ष ते बीत गल ओकर बाद में अब चार वर्ष में भी वो सब काम करें तो ठीक बनाई करें तब वो ठीक बा, बाकी इनका अब कितना जन के बुझाई कि चार वर्ष में काम करे ना कि चार वर्ष में और बर्बाद की दिए समाज की, तो आपकी बुझाई में छोट में का कह चाहिए कि हमन की जनता एटू जागरूक होकर आवश्यक बा कि अखन के हाथ में जो हैंडल धर गया पाँच वर्ष कुछ भी करा कह के छोड़ दे के आवश्यक बा। बहुत अच्छा बात हो, इसमें सबसे पहले तो हम ये कहब कि हमन के जौन जन समुदाय जौन हमारे अपन अमूल्य मत ओन्हन के दे के जौन हमारे आगे नेतृत्व पंक्ति में पहुँचावल गेल गेल, तो सबसे पहले तो हमार विनती बा जौन अमूल्य मत देहल गेल गेल जन समुदाय सब जन से हमार अमूल्य सुझाव आ वहाँ सबसे विनती ये बा कि आप तब भी आपके मत अमूल्य रहल और आज भी अमूल्य बा, ऐसे आप लोगन के विचार से वो लोग अगर काम नहीं करत ना तो उन्हन के कौन रूप में हमरे दबाव दे सकल जी, दबाव मूलक एक कार्यक्रम लियान के उन्हन के दबाव देवे के पड़ल। दूसर बात का बा कि हमारे देखल जाला ढेर जैसन हमारे यहाँ देखल जाता कि आज जौन एक जनप्रतिनिधि कहल जाता जनप्रतिनिधि लोग के मन नियत खराब काहे हो गई कि उन्हन के ऊपर कितना पाए जौन राजनीतिक दबाव राजनीतिक कठपुतली जौनी बन चुकल बाटें, तो हमार बुझाई में देखले में का लगा था कि राजनीतिक दल के जौन कठपुतरी लोग बाटें तो राजनीतिक दल के कठपुतरी लोगन तो कुछ राजनीतिक दल के दबाव तो कुछ भर बा, लेकिन उससे ज़्यादा दबाव ही स्वयं हमार ऊपर दबाव बा कह के ये सब विकास न करे चाहल के कारण इनके नियति खराबी बा। ऐसे हम ये कहब कि इनके नियत सुधारे के लिए जहाँ तक हो सकी स्थानीय जन समुदाय बुद्धिजीवी वर्ग सब जना मिल के और आमा बुआ दाजू भाई दीदी बहनी जितना हमरे मत देहल गेल गेला सब जना इन्हन के कौन रूप में होई दबाव मूलक कार्यक्रम और ओकर बाद में हरेक समय समय पर हमरे कितना पर जैसे हमरे देखल जला कि लड़का स्कूल में पठा देहल गेल गेल तो मन जिम्मेवारी खत्म हो गई, वैसन किस्म के हमारे कितना पर गैर जिम्मेवार जो हमारे जन समुदाय बने खोजल जाता, तो जन समुदाय से हमारी यह विनती बा कि आप जिता दहल गेल गेल तो करबे करी कह के ऊ भरोसा न बैठ के ई हमहने काम हो हमहन के करे के चाही कह के आप लोग पटक पटक ऊ स्थान तक यानी जैसे गाविसा भइल ओड़ा भइल वहाँ तक पुगे के पड़ल और पटक पटक ओन्हन के दबाव देवे के पड़ल और आए वाला दिन में
ओनहन के ते एक हिसाब से अपन बाल बच्चा के जिंदगी तो ओकरे बना लेत न, लेकिन हमहन के बाल बच्चन के जिंदगी खराब करत न। ते से हमहन के बाल बच्चन के जिंदगी के लिए हमहन के उ जगह पर पुगे के बा, और ओनहन के दबाव मूलक का कहले के हिसाब से ओके कौन कहल जाए जन स्तर के दबाव देवे के जरूरी बा, और समय समय पर हमहन के गाँव पालिका के वड़ा के कार्यक्रम का हो रहा अनुभव में सहभागी हो के जरूरी बा कह के हमार अपन व्यक्तिगत बुझाई हो। हाँ ते आप अमूल्य समय दल गिल आपकी रीति से धन्यवाद दे चल जाता। धन्यवाद जौन आज हमहन के बुद्ध टेलीविजन, सबसे पहले तो हमन के बुद्ध टेलीविजन, ओकर बाद में आज हमन के बुद्ध टेलीविजन में बोले के जौन अवसर मिलावल गए राज चौधरी जी, वैसे ही हमन के टेक्नीशियन भाई सबके धन्यवाद देत। आए वाला दिन में जौन हमारी अंतर्वार्ता सुनल गए हमन के थारू समुदाय अथवा थारू भाषा बुझे वाला हमन के अन्य जौन समुदाय बाटी, सब जना हमें सुझाव सलाह देहल जाए। आए वाला दिन में ऐसे और हम आप लोगन के बीच में हमार लायक कौन चीज बा, हम आप लोगन के निस्वार्थ भाव से आप लोगन के सेवा में हम उपस्थित बाटी। आज तक हमें जहाँ तक लागत हमारा अपन व्यक्तिगत बुझाई अनुसार निःशुल्क रूप में हम आप लोगन के समाज में सेवा करत हई कह के हमें लागत। वैसे ही आप लोगन के और कौन किस्म के सलाह सुझाव हो हमें सलाह सुझाव देवल जाए, और हमें आप लोगन सेवा करे के अवसर प्रदान कर ली कह के हमार आप लोगन से विनती बा। यह कहत आप लोगन के बीच में बुद्ध टेलीविजन हमन के राज चौधरी जी के सबके, और आप जौन यहाँ हमार कार्यक्रम बैठ के सुन देहल गए गे देख देहल गए गे सब जना के विशेष विशेष हम धन्यवाद दे के चाहते हैं। ऐसे हमने आज बातचीत कर गए समाजसेवी कमल नारायण चौधरी, ऐसे हमन के कैमरा पर्सन शंकर और हम संचालक राज कार्यक्रम देखल गए। एक बार कहीं आपकी रिजी से धन्यवाद, और आज के कार्यक्रम ऐसे देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन कहते हम संचालक राज विवेद साहब नमस्ते।